अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनम्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ चिकन बंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास मेरी मज़ेदार रेसिपीज आती रहें। चिकन बंस बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम बंस की डो। डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं साथ साथ आपको उसका बताती रहूँगी। मैंने डो बनाने के लिए 3 कप मैदा लिया है। सबसे पहले मैदे को मैं स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून मैं नमक का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, 2.5 टीस्पून इसमें ईस्ट के जाएंगे। ईस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी। अंडा डालने के बाद मैं इसमें 1/4 कप वार्म मिल्क, आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा 10-15 सेकंड्स के लिए ओवन में। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लें, स्पैचुला से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी। अंडा अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए थोड़ी सी क्रमी सी हो गई है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और क्रमी सी शेप हो जाएगी। लास्ट में मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, 1/4 कप ही इसमें पानी जाएगा। आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं, पानी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके मैदे पे डिपेंड करता है। समटाइम मैदा ऐसा होता है कि वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, समटाइम थोड़े मैदे से ही अच्छा आटा गूंदा जाता है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। इसकी डो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती और हार्ड भी नहीं होती। डो को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए गूंदा है। अब मैं इसको कवर करके 1.5 आवर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। ये डबल हो जाएगी साइज़ में। जब तक हमारी डो राइस होती है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। एक पैन लें, उसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करके सबसे पहले मैं उसमें अनियन सॉटे करूँगी। अनियन मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। इसको ऑमलेट कट में कट कर लीजिएगा। अनियन मेरा सोटे हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम्स। इसको मैंने क्यूब कट कर लिए। चिकन को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आप इसको 1 मिनट के लिए पकाएं। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने इसमें नमक लिया है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें काले मिर्च का जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का जाएगा। स्पाइसेस डालने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं ताकि स्पाइसेस अच्छे से पक जाएं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस का ऐड करूंगी, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट का ऐड करूंगी। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। मस्टर्ड पेस्ट डालने से टेस्ट मज़े का हो जाता है और आपका चिकन जूसी रहता है। तो आप भी अपनी चीज़ों में मस्टर्ड पेस्ट ज़रूर ऐड करिएगा, उससे आपका चिकन जूसी बनेगा। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप के ऐड करूँगी। चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पकाया। अब मेरा चिकन रेडी है। मैं लास्ट में ये शिमला मिर्च ऐड करूँगी। मेरे पास ग्रीन कलर की और रेड कलर की शिमला मिर्च पड़ी थी। शिमला मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है तो मैंने शिमला मिर्च लास्ट में ऐड की है ताकि वो सॉफ्ट ना हो ज़्यादा। बंस की फिलिंग रेडी है। अब इसको थोड़े ठंडा कर लें, उसके बाद इसको आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें। आप इसको चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी क्रश कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से 1 मिनट के लिए बेलूँगी। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। मेरी इस 3 कप डो से 10 बॉल्स बने हैं, नॉर्मल साइज़ के। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के भी आप इसको कह सकते हैं। मेरे टोटल 10 बॉल्स बने हैं। आपकी चॉइस पे है, आप कितने साइज़ का बॉल रखते हैं, आपके भी 10 या 10+ तो ज़रूर बनेंगे इससे। अब मैं इसमें चिकन की फिलिंग करूँगी और लास्ट में मैं इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ ऑप्शनल है, आप लोग स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको एग वॉश करूँगी। एग वॉश मतलब कि मैं इसको अंडा लगाऊंगी और ऊपर मैं तिल और कलवंजी डालूंगी और एक पिंच दो पिंच के करीब मैं इसमें ओरिगैनो डालूंगी। ओरिगैनो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कलवंजी नहीं डालना चाहते तो आप ब्लैक तिल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। इससे कलर अच्छा आ जाता है, देखने में चीज़ अच्छी लगती है। वरना कंपल्सरी नहीं है, तिल वाइट तिल ब्लैक तिल आपकी चॉइस पे है। अब मैं इसको 180 डिग्री पे 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। मज़ेदार चिकन बंस रेडी हैं। आप इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी नई रेसिपी चाहिए।